एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। सो बेसिकली ये वीडियो जो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं एक टीन एजर मेकअप लुक क्रिएट करूँ क्योंकि ईद आ रही है। सो ये एक ईद स्पेशल मेकअप लुक है। और अगर आपका ब्लूइश काइंड ऑफ ड्रेस है तो मे बी ये मेकअप आपके ड्रेस पे सूट कर जाएगा। और अगर नहीं भी है तो आप सिर्फ आईलाइनर का कलर चेंज कर लेना, आई मीन टू से लाइन जो अपना आई शेडो है उसके कलर चेंज कर लेना, दैट्स इट। आप इससे कोई भी मेकअप लुक कर सकते हैं और ये एक टीनेजर मेकअप लुक है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। सो गाइज, वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल से मतलब अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं जो आप लोगों के पास में होंगे, और अगर नहीं भी होंगे तो भी इधर उधर थोड़ा एक्सचेंज कर लेना, कुछ खास अलग बात नहीं है, कलरों में चेंज हो जाता है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो फर्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ निविया की मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और ये हमारे फेस को करती है मॉइस्चराइज। तो आप देख सकते हैं, और ये थोड़ी सी ऑयली फॉर्म में है तो मैं इसको अपने पूरे फेस पे लगा ले रही हूँ। मॉइस्चराइजेशन को आप स्किप ना करें तो ये अच्छा है। उसके बाद में मैं अप्लाई कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का बेस प्राइमर। और यस, ये जो है फेक प्राइमर है। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप उसको मेंशन करो कि ये फेक है, तो यस ये फेक प्राइमर है। इतना ले रही हूँ, आप कोई भी प्राइमर ले सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हो, उसको बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना, नहीं तो वो आपका फाउंडेशन को आप ले रही हूँ। ये कंसीलर पैलेट में से मेरा कोई शेड, जो आपका शेड है आप उससे कंसीलिंग करें, और जो मेरा शेड है मैं उससे कर रही हूँ। तो मेरा ये वाला शेड है, तो मैं इससे अपने जो भी डार्क स्पॉट है उसको पूरा रिमूव कर लूँगी और थोड़ा सा हाइड कर लूँगी। तो ये देखो, आप देख सकते हैं ये मेरा डार्क स्पॉट है और मैं इसको हाइड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ विवॉन का फाउंडेशन, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा वाला फाउंडेशन है और ये मीडियम कवरेज देता है। स्पॉन्ज की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लो, ब्लेंड ना करें फाउंडेशन को, जस्ट एक डैपिंग मोशन में उसको अप्लाई करें और दैट्स इट। तो नेक्स्ट मैं एक शिमर पाउडर की हेल्प से पूरे फेस को फिनिश लुक दे दूँगी और पूरा सेट कर लूँगी मेरे फाउंडेशन को। ब्राउन कलर, और अब उसको मैं प्लेस करूँ अपने क्रीज लाइन पे। ब्राउन कलर अप्लाई करने के बाद में मैं अप्लाई कर रही हूँ द रॉक न्यूड्स आई शेडो पैलेट, एडीएस आई शेडो पैलेट में से ये ब्लू कलर, और इसको जिसमें प्लेस कर रही हूँ उसी के एक ब्रश की हेल्प से, एंड जस्ट मैं अपने लिड पे आई लिड पे प्लेस कर रही हूँ उसको। मेरा ड्रेस ब्लू है इसलिए मैं ब्लू कलर का प्लेस कर रही हूँ। अगर आपका कोई भी ड्रेस है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी ये मेकअप लुक टर्न आउट कर सकते हैं। अभी आउटलाइन बना रही हूँ, देन मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैं एक ले रही हूँ क्लीन ब्रश और उसकी हेल्प से इसको पूरा अच्छी तरीके से ब्लेंड आउट कर लूँगी। शिमर काइंड ऑफ लुक देने के लिए एक स्मोकी आई शेडो पैलेट में से ये गोल्डन कलर लूँगी और जैसे उसको प्लेस करूँगी अपने आईलिड पे। काजल के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ ये एडीएस की पेंसिल, और ये जो है ब्लू कलर में है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैं अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। कर्ल करने के लिए ये अप्लाई कर रही हूँ आईलैश कलर, और अप्लाई कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का फेक वाला लाइनर, जस्ट बिकॉज मुझे हर किसी ने बोला है कि आप मेंशन किया करो, तो मैं मेंशन कर रही हूँ कि ये फेक लाइनर है, एंड जस्ट एक सिंपल सा विंग ड्रॉ कर रही हूँ। बाद में मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर, और मैं ले रही हूँ सिवाना का हाइलाइटर, एंड जिसमें इसमें से ये वाइट शेड लेकर अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ हुडा ब्यूटी की ये फेक लिपस्टिक, और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरे लिप्स पे, और ये थोड़ी सी रेडिश काइंड ऑफ है, और मुझे रेड कलर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन डार्क कलर मुझे अच्छे लगते हैं, न्यूट कलर ज़्यादा पसंद नहीं है।
लिपस्टिक मैंने अप्लाई कर लिया है, बहुत ज़्यादा तड़कती भड़कती लिपस्टिक लग रही है, तो अगर आप इसको मैट करना चाहो तो आप पाउडर की हेल्प से इसको सेट कर सकते हैं। एंड मैं कर ले रही हूँ अभी हेयर लुक, और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो या फिर ये सिंपल सा मेकअप लुक अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।